मतलब 3 महीने का बोल के 3 साल तक ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो क्या हम पागल हैं? हम बोल रहे हैं कि हमें हमारा हक दो, या तो हमें हमारी नौकरी दो, या फिर हमें इस एक्सपीरियंस लेटर दो। हमें हमारे अदर रिलीजन के भी है, उनके साथ भी करा, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पेशेंट यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से पेशेंट यहाँ आए थे, हमने सबकी हेल्प करी। बीजेपी कांग्रेस ना आम आदमी कोई मिलने नहीं आया, या फिर मोदी सर हो, सब अपने अपने नेताओं को भेज देते हैं वोट मांगने के लिए कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, वोट हमें दो, वोट हमें दो। अभी तो सारी माताएं बहनें और बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ इनकी सुरक्षा? कोरोना के समय मेडिकल स्टाफ को कहा गया कि आप धरती के भगवान हैं, आपके हाथों में पूरे देशवासियों की जिंदगी है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के गेट नंबर 3 पर। यहाँ पर देख लीजिए जो है, जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग नर्स हैं। इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसी केजरीवाल के अंडर में ये अस्पताल आता है। और जो नर्स हैं जो यहाँ पर काम करते थे कुछ दिनों पहले तक, उन लोगों को निकाल दिया गया है। क्या नाम है मैडम आपका? उर्मिला। यहाँ पर क्यों आप लोग बैठे हो? यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमें पहली तारीख से ही 3 साल काम किया, हमने कोविड काल से हम लोग आए हुए हैं और 3 साल से काम करते आ रहे हैं, लेकिन एक ही दम हमें बाहर निकाल दिया गया कि अब आप लोगों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है, आपका कोई यहाँ पे अंदर आने का कुछ है ही नहीं, तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे धरना देके बैठे हुए हैं। मतलब आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर, 1 तारीख से नौकरी से ही हमें खलास कर दिया गया, मतलब नौकरी हमारे लिए है ही नहीं अब आगे से। अपने घर जाओ बैठो, भूखे मरो, प्यासे मरो, कुछ भी करो, लेकिन अंदर परमिशन नहीं है, नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा सर, किससे पूछे हम जाके? किस पोस्ट पर थे आप? NO की पोस्ट पर, नर्स ओडली थे हम। तकरीबन कितनी संख्या थी? 350 लोग हैं। 350? 350 लोग हैं। और हायर कब किया गया था? हाँ जी, हायर कब किया गया था, कब रखा गया था? हमको रखा गया था फर्स्ट कोविड में, रखा गया था हमें, 2.5 साल हो गया है। निकाला गया अभी 1 जनवरी को निकाला गया। मतलब 1 जनवरी निकाल देगा। देखिए तस्वीरें देखिए, लोक नायक अस्पताल कोविड योद्धाओं के साथ ना इंसाफी क्यों? कोविड में भर्ती 350 नर्सिंग ऑर्डरली को काम से क्यों निकाला गया? और लगातार ना इंसाफी की जा रही है, इन लोगों का कहना है। और भारत माता की जय, मजदूर यूनियन, इसके अलावा तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। क्या काम करती थी मैडम आप यहाँ पर? हेलो, क्या काम करती थी आप? मैं यहाँ पे नर्सिंग ओडली का काम करते थे हम लोग, ठीक है, ग्रुप डी में हम यहाँ पे हैं। और जो था हमारा जो काम था वो नर्सिंग स्टाफ का साथ था, उनके साथ हम उन सारा काम करते थे, उनका जो भी हमें नर्सिंग स्टाफ बोलते। हमने हॉस्पिटल में यहाँ पे कोविड में सारे मरीजों की हेल्प की है, दवाइयाँ दी है, उन्हें खाना खिलाया है, यहाँ तक कि हमने स्टाफों के जो भी काम थे वो हमने ही करे हैं। अब तो काम पूरा हो गया, जाइए घर, कोरोना भी खत्म होने वाला है। हाँ सर, इनका यही कहने का मतलब था कि तुम्हें सिर्फ कोरोना टाइम में रखा था, जहाँ पे सरकारी एम्प्लॉई यहाँ पे कोई काम नहीं करता था, देन जब उन्होंने हम लोगों को रखा, कहा कि कोविड में आके काम करिए यहाँ पे, और देन उसके बाद तुम कोविड खत्म हो जाएगा फिर तुम यहाँ से चले जाइए। सर ये बताइए, कोई छोटा टाइम पीरियड था क्या कोविड का? 3 साल से लोग कोविड में अभी तक नहीं निकले हैं, यहाँ से जिसका जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया, तो अब सरकार क्या करना चाह रही है हम लोगों के साथ कि हमने यहाँ पे काम किया और फिर उसके बाद ना कोई हमें यहाँ से कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं दिया, और ठेकेदारी पे रख के और हमारे मतलब जो भी पैसे ठेकेदारों ने लिए हैं, और उसके बाद हमें जो जितनी सैलरी भी होती थी ना यहाँ पे, सरकार ने बोला था कि 22,000 सैलरी है, लेकिन हमें 22,000 सैलरी नहीं दी, हमें सिर्फ 14,000 सैलरी पे रखा गया यहाँ पर। मतलब 22,000 कहकर 14,000 दिया गया और अब निकाल दिया जा रहा है। हाँ, ठेकेदारी में हमें निकाल दिया जा रहा है, और उसके बाद हमें यहाँ पे कोई और सिर्फ 4 ऑफ मिलते थे महीने में, और जहाँ के कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, अगर कोई कोविड में बंदे को बुखार हो रहा है या कुछ भी, तो उस छुट्टी का कोई मेडिकल नहीं मिलता था, उसकी सैलरी कटती थी। तो मतलब इतना हमें यहाँ पे इतना सताया गया कि हम लोगों को, और ना ही उसके बाद हमें कोविड खत्म हो गया तो हमारा टेंडर बोल रहे हैं कि खत्म हो गया टेंडर। हमें ऐसी कोई बात ही नहीं बोली थी कि तुम्हारा टेंडर खत्म हो जाएगा तो निकाल देंगे, अगर ऐसा हो तो 3 सालों से क्यों चला रहे हैं? अगर 2-3 महीने की बात है तो 3 महीने क्यों नहीं निकाला गया? 3 महीने बाद निकाल देते, हम नहीं करते कुछ भी। 3 महीने का बोल के 3 साल तक ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो क्या हम पागल हैं कि बिना किसी नोटिस के या बिना किसी एक्सपीरियंस लेटर के हम 3 महीने किसी जगह देंगे और दूसरी जगह जाएंगे, वो क्या बोलेंगे तुमने 3 साल क्या करा?
वो क्या बोलेंगे, 3 साल तुमने कहाँ पे जॉब करी, तो हमें कोई नौकरी देगा नहीं देगा। इसलिए हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमें हमारा हक दो, या तो हमें हमारी नौकरी दो या फिर हमें इस एक्सपीरियंस लेटर दो। हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा, कोई निकालने का भी कोई मतलब सर्कुलर भी था सिर्फ एक सिंपल सा, उधर कोई नोटिस नहीं था कि तुम्हें निकाला जा रहा है। और पूरी सैलरी भी नहीं दी हमें, अभी 1 महीने की सैलरी हमें रोक के रखी हुई है अभी तक हमारी। हाँ। मैडम दिल्ली सरकार तो केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के लिए, तो आप लोग सड़कों पर हैं? जी सर, केजरीवाल सर ने तो ये भी कहा था ठेकेदारी हटेगी, सबको परमानेंट करेंगे। हाँ। हमें तो निकाल के खड़ा कर दिया, ठेकेदारी भी नहीं दे रहे हमें, तो कुछ भी नहीं दे रहे। कोई सुन्नी रायल जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं धारा 144 पीछे हटिए, बैनर के पास बैरिकेड के पीछे जाइए, हमने वोट दिया। कौन कहता है? मनीष सिसोदिया के ऑफिस गए हम, उन्होंने पीछे सीएम के ऑफिस, सीएम पुलिस प्रशासन कहता है आप यहाँ से हटिए, यहाँ से जाइए, खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं हम उनके। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी सरकार है, इसके अलावा जो है पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे भी कहते हैं कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में सरकार दिल्ली में चलाई जा रही, वही मुख्यमंत्री हैं, और हालात ये हैं कि कहते हैं ना कि जो साक्ष्य को सबूत जरूरत नहीं होती है, जो सब लोग खड़े हैं, ये लोग आंदोलनकारी हैं। कल तक ये लोग मरीजों की हेल्प किया करते थे, जब कोरोना आया था इन लोगों ने जान की बाजी लगा दी। आपने देखा किस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, LNJP हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, तमाम अस्पताल थे, जो कोरोना योद्धा इन्हें बताया गया, इन लोगों के ऊपर फूलों की बरसात करवाई गई थी। लेकिन सच ये है कि साल 2023 जनवरी के महीने में ही इन लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया गया है। ये लोग अब अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते, अगर अंदर जाएंगे तो इन लोगों से पास मांगा जाएगा और यही कहा जाएगा कि आप लोग गेट के अंदर नहीं जा सकते, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। सरकार भले ही कितने लाख दावे कर ले, सच्चाई आपको दिखाई दे रही है। ये लोग यहाँ पर एक दो लोग नहीं हैं, बल्कि पूरे 350 लोग हैं, एक झटके में निकाल दिया गया। कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, कैसे घर की ईएमआई भरेंगे, कैसे और खर्च लेंगे, बड़ा सवाल। लेकिन केजरीवाल सरकार सो रही है। सब काफी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग, कोई मेरठ से आता है, कोई गाजियाबाद से आता है, कोई नोएडा से आता है, सबको यहाँ पे आने के किराया लगता है सर डेली। इसलिए तो हमारी सैलरी भी मतलब होल्ड कर लिए कि ताकि हमें तोड़ सके कि यहाँ पे कोई आ ही ना सके डेली आंदोलन करने के लिए। हमारे जो हॉस्पिटल के MD है उन्होंने हमें ये मतलब उनको 2022 में कोविड में सबसे नंबर वन रहा था हॉस्पिटल, उनको मेडल मिला था, तो उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, नर्सिंग ओडली का तो बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि काम किसने किया। क्या नाम है आपका? पीछे गुंजन, पूरा नाम क्या? गुंजन कुमारी है। क्या नाम भाई साहब आपका? संदीप मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, आपके ऊपर अत्याचार कर रही है केजरीवाल सरकार? नहीं, बहुत ज्यादा कर रही है। हम लोगों ने तब यहाँ पे जो है काम किया है, जब 2020 में अपनी फैमिली खुद से ही नफरत करने लगती थी कि आप दूर बैठो और मुंह में मास्क लगा के बैठो, तब हम लोगों ने घर से बाहर निकले, 300 जितने भी कर्मचारी आपको बाहर बैठे मिल रहे हैं, तब यहाँ पे जॉब करना शुरू किया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने फैमिली से ये बोला था, फैमिली वाले भी हमारे बोलते हैं कि किसी घर के मेंबर कोई सिंगल है तो आप क्यों जा रहे हो, आप घर पे रह लो, लोग इतना मर रहे हैं, कुछ हो गया हम कहाँ जाएंगे। लेकिन तब भी हम लोगों ने यही समझा के कहा था कि अगर आप लोग हम लोगों को ऐसे रोकोगे और हर हिंदुस्तान की महिलाएँ अपनी बेटे को रोकेंगी तो आगे हिंदुस्तान का क्या होगा। हर चीज़ को हम लोगों ने सोच करके उनको ये बताया गया था कि आप अगर हिंदुस्तान रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। हम लोगों ने पूरी तरीके से सरकार का सपोर्ट किया, उस समय हमने जॉब करना शुरू किया, हमने अपनी शरीर की परवाह नहीं करी। क्या क्वालिफिकेशन है आप लोगों की? हम लोगों की क्वालिफिकेशन 10+2 है, ग्रेजुएशन भी किसी किसी की है, उन्होंने वो भी किया हुआ है, मांगते हैं क्या कहते हैं नर्सिंग की फर्स्ट एड मांगते हैं, सब किया हुआ है सर। यहाँ अनपढ़ कोई नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस देते हो कि किसी को निकाल दिया जा रहा है, आप 31 तारीख तक देना चाहिए था लेकिन नोटिस भी। हमारा सुपरवाइजर कह रहा है तुम्हें, हमारा सुपरवाइजर कह रहा है तुम्हें बोर्ड पे नोटिस दे दिया था, बट हमें कोई नोटिस नहीं दिया था, और ऊपर से ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें तो सब कुछ बता दिया गया था, बट हमें 10 दिन पहले बोल रहे थे कि 3 महीने का टेंडर तुम्हारा बढ़ गया ताकि हम सब शांत रहे, काम करते रहे और 1 तारीख को हमें निकाल दे, हम शांत रहे। क्या नाम है आपका? मुस्कान खान। मुस्कान खान, अच्छा इसमें क्या
ठाकुर और ब्राह्मण भी हैं इसमें? सब है, सब है। ब्राह्मण मिश्रा बोला ना मैंने, मिश्रा है। यहाँ कोई जाति नहीं है, सारे भाई हैं, जात कोई नहीं मानते यहाँ पे सब, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें सिर्फ एक इंसान बना के भेजा है। हम हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करने जाते थे, गेट से अंदर घुसते थे, तो हम किसी के जात धर्म किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। हमारे साथ सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, सारे साथ में रहते थे। और हमने जो हमारे अदर रिलीजन के भी है उनके साथ भी करा, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पेशेंट यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से पेशेंट यहाँ आए थे, हमने सबकी हेल्प करी है। सर बताइए, आप लोग सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, यहाँ पर कोई नेता मिलने आया है? नहीं मिलने आया अभी तक, मिलने नहीं आया सर हम। बीजेपी का भी नहीं, बीजेपी कांग्रेस ना आम आदमी कोई मिलने नहीं आया। और उनके और मेरी बात सर मैं एक कहना चाहूंगा, अभी 2-3 दिन पहले सिविक सेंटर पे लड़ाई हुई थी बीजेपी और आम आदमी वाली पार्टियों की, लेकर के हुई थी मेयर के चुनाव को लेके, तो उनको बीजेपी वालों ने राजघाट पे धरना दिया था और आम आदमी वालों ने एलजी हाउस पे धरना दिया था। उनको धरना एक दिन के अंदर मिल गया, सब चीज मिल गया, मगर हम एक हफ्ते से 15 दिन से धरने की परमिशन नहीं ले रहे, हमें कहीं की भी धरने की परमिशन नहीं दी जा रही है, मना कर दिया जा रहा है कि मिलती है तो कैंसिल करा दी जाती है। बताइए सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग हैं और यहाँ पर कोई मिलने नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पठान मूवी का बहिष्कार नहीं किया जा रहा है, पठान मूवी का समर्थन नहीं किया जा रहा है, लोग अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ मामला होता तो तमाम लोग आ जाते यहाँ पर, सब लोग आते यहाँ पर, राजनीतिक रोटी सेकते हैं, राजनीति चमकाते, लेकिन ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे, लोग नौकरी मांग रहे हैं, कल तक नौकरी थी। केजरीवाल सर हो या फिर मोदी सर हो, सब अपने अपने नेताओं को भेज देते वोट मांगने के लिए कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, वोट हमें दो, वोट हमें दो। अभी तो सारी माताएं बहनें और बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ इनकी सुरक्षा, क्यों नहीं देखने आ रहे इन बच्चों को? बच्चे कल को जाएंगे रोडों पे, काम होगा फिर इनके साथ वही हाथापाई होगी, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर खड़ा हो जाएगा एक नया मुद्दा, हमारी बेटी है, हमारा सब कुछ है, हमारा भारत है। तो आज क्यों नहीं आ रहे सर? कोई भी पार्टी वाला कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नेता हमारे लिए नहीं है, वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन आज हमें देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी कुछ भी नहीं है। केजरीवाल कहते हैं महिलाएं जो हैं हमारी बहनें हैं, और बहनें वे तब तक नहीं होती जब तक उनके ऊपर कोई अत्याचार, कोई एट्रोसिटी नहीं होती। जैसे उनके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आ जाते हैं। देखिए जो महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, ये लोग यहाँ पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? नौकरी मांग रही हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई हमला हो जाता है तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बीजेपी भी सामने आएगी। हो सकता है मोदी जी का ट्वीट भी आ जाए, हो सकता है दिल्ली पुलिस सक्रिय हो जाए, हो सकता है तमाम एजेंसियाँ सक्रिय हो जाए, लेकिन जब ये लोग इंसाफ गुहार लगा रही हैं, सब लोग खामोश हैं, कोई नहीं आ रहा है। और ये आंदोलन को याद से नहीं, कई दिनों से चल रहा है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, ना तो मेन स्ट्रीम की मीडिया दिखा रही है, ना ही कोई और आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। क्यों? वजह यही है, ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की विडंबना है, दुर्भाग्य है, कोई कांवड़ यात्रा पर जब निकलता है, कांवड़ यात्रा निकालता है, फूलों की बरसात की जाती है, जब कोई नौकरी की मांग करता है उसके ऊपर लाठियों की बरसात की जाती है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज 11 जनवरी है, ये लोग सड़कों पर, अस्पताल के बाहर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। सहयोगी नीति रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, LNJP, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।